मैं तेरा वीडियो बन रहा हूँ इसलिए ये बंदा लोगो पहन के आया हुआ है। कौन सा एग्जाम है गाइस, ये इतना एक्साइटेड है ऐसा कि टी शर्ट पहन के आया हुआ है, कहता है कि एग्जाम नासा गया तो एग्जाम की टी शर्ट पहन के जाऊंगा मैं। गुड मॉर्निंग, कैसे आज आप लोग? आज हम लोग हैं चेन्नई में। रात में हम लोगों ने ट्रेन ली थी बैंगलोर से 11:30 के अप्रॉक्स, और मैंने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखने के बाद सोचा जो मेरी ट्रेन जर्नी होगी वो कुछ ऐसी होगी। पर इट वॉज वेरी पीसफुल, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका मुझे थोड़ा सा दुख भी है। मुझे देखा तो ये जाना सनम, पर ठीक है। तो फाइनली हम लोग चेन्नई में हैं, और आज हम लोग इधर क्यों आए हैं उसके पीछे का एक छोटा सा रीज़न है जो आप लोगों को शायद वीडियो के स्टार्टिंग पता चल गया होगा, या हम लोगों का एक छोटा सा एग्ज़ाम है। मेरे एक फ्रेंड है सृजन, उसका तो बस एग्ज़ाम 1:30 स्टार्ट होगा, एग्ज़ाम ख़त्म करते हैं और उसके बाद जो हम लोगों का सेंटर है वहाँ से जस्ट 3 किलोमीटर दूर मैच जाएंगे, मजे करेंगे और फिर शाम को वो बैक टू बैंगलोर। You tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. गाइस, ये कोई ऑफिस है जहाँ पे हम लोग का एग्जामिनेशन सेंटर आया। काफ़ी सेक्सी है ये, मुझे तो अच्छा लग रहा है। और यार तेरे लिए मिल गया सृजन, वहाँ कहाँ जा रही है तेरा? इसे खुला क्यों छोड़ रखा है, इसे खूंटे से बांध के रख दो। सो गाइस, आई एम नियर सी व्हिच आई डोंट नो, इट्स एक्चुअली नियर द टेस्ट सेंटर। इट वाज अराउंड 1:30 टू द टेस्ट सेंटर, ही टोल्ड लाइक कम 10 मिनट्स बिफोर ओनली। सॉर्ट ऑफ वी वर हंग्री एंड माय फ्रेंड सृजन, सो वी थॉट यू नो we'll go somewhere eat outside. We went to Domino's, but the timing was like come 11 o'clock, so let's go to McD. So he's just booking a cab. Till meanwhile I'm standing over here and you know enjoying the beautiful view of this place. You can see backside this blue wall, the beach is there. I'm really excited to see the beach because it's my first time. Okay, why are you booking a cab actually? Can you just show the people what you're booking? Room. Okay, so Sujan, where we are going at this moment? We're going to eat something in McDonald's. Why? Why matlab kya hai? The thing is, Sujan is a vegetarian. He is told like, finally we are going to McD. So guys, one thing I just want to tell you about Chennai. Actually, Bangalore weather is really nice. At this moment, it's so humid here. I was wearing a hoodie and you know, it was so damn hot. So currently I'm in you know normal shirt and now I'm feeling little fine, but still you know sweat is coming up. It's really hot in Chennai, dude. You know, if you're coming here, just be prepared for that. It's really hot. It's really humid. सृजन ओशियन से पेन निकल रहा है ना?
ओ हाय गाइस, सो अभी हम लोग का एग्ज़ाम हो चुका है ख़त्म और अभी हम लोग जैसे मैंने प्रॉमिस किया था बीच साइड जा रहे हैं बगल में ही एकदम। बेसिकली मेरा जो टॉपिक था जो हम लोग एग्ज़ाम था एक नासा स्पेस कैम्प का उसमें मेरा टॉपिक था ह्यूमंस ऑन मार्स। तो बाकी सब क्वेश्चंस तो मुझे नहीं आए लेकिन एक क्वेश्चन जो मुझे लग रहा था कि हम लोग कर पाएंगे क्योंकि उसमें एक ये था कि आपको समरी लिखनी है अपने टॉपिक पे। तो ये नॉर्मली हर साल ये क्वेश्चन आता था लेकिन इस बार एग्जामिनर्स को लगा कि नहीं कुछ हार्ड पूछते हैं तो मेरे को कहते हैं कि राइट आ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमंस ऑन मार्स। अब मैं क्या बनाऊँ, मुझे केवल एक ही चीज़ बना सकता हूँ उस टॉपिक पे मार्स, तो वो भी चला गया। अब देखें क्या होगा। सृजन का टॉपिक क्या था, सृजन तेरा टॉपिक एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, तो सृजन का टॉपिक मिला एक्सपैंडिंग यूनिवर्स और उसमें भी एक क्वेश्चन था क्या था क्वांटम मैकेनिक्स ना, तो उस लेबल डायग्राम ऑफ क्रिएशन ऑफ अर्थ। तो सृजन पता है एक कुछ ट्रम्पेट जैसा यू नो कुछ बना के आया है भाई, वो ट्रम्पेट नहीं है वो मतलब मैंने देखा था इट वाज लुकिंग लाइक अ भोपू, ठीक है तो वो क्या था? आई मीन स्टार्टेड विद सिंगुलैरिटी और बिग बैंग का टाइमलाइन लिखा था मैंने बस, लेकिन पता है मैं दूर से देख रहा था तो इट वाज लाइक वो आपने डोरेमोन देखते ना, डोरेमोन में क्या होता था कि एक साइड से बंदा जाता था दूसरी साइड से बड़ा होकर निकलता था, तो समथिंग लाइक दैट वाज एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है। ओके 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 ठीक है जो भी था, तो इसीलिए सृजन ने उसको वहाँ पे लिखा, ठीक है। अब जो हो गया सो हो गया गाइस, हम लोगों ने अपनी नई नई क्रिएटिविटी के साथ एग्जाम में लिखा है। 1 आवर का एग्जाम था, 6 क्वेश्चंस थे, 500 मार्क्स का एग्जाम था, हो गया जो हुआ सो हुआ। अब हम लोग जाते हैं, जो मेन जो हम लोगों का काम था वो था बीच पे आना और इट्स माय फर्स्ट टाइम, देखें क्या होगा कैसा होगा बीच, लेट मी सी। यार मैं बहुत ज़्यादा मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं यार, यहाँ से मुझे ओशन दिख रहा है। गाइज अभी मैं एकदम रेडी हूँ बीच में जाने के लिए, मैंने पैंट चेंज कर लिया, हाफ पैंट में आ चुका हूँ और जूते निकाल दिए हैं और अब मेरे सामने है एकदम इनफिनाइट ओशन, ठीक है इतना भी हिंदी नहीं आती मुझे। अभी हम लोग बीच पे थे तो उसके बाद अभी एक फ्रेंड मिले हैं, सो ही जस्ट टोल्ड मी कि लाइट हाउस से ऊपर से व्यू बहुत अच्छा आता है, सो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। चेन्नई मद्रास लाइट हाउस, ओके प्रीटी ओल्ड, यू फाइंड मोस्ट ऑफ द डिटेल्स हियर अबाउट द लाइट हाउस। बेसिकली अभी हम लोग यहाँ ऊपर हैं चेन्नई वाले पे और यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ लाइट हाउसेस। मरीन बीच, तो उसके बाद लाइक जो मेरा फ्रेंड था वासु उसने बताया कि इससे भी एक अच्छा पॉश बीच है, तो हम लोग वहाँ पे गए। एग्जैक्टली मुझे उस बीच का नाम नहीं पता, सृजन तुझे पता है क्या उस बीच का नाम? तो बेसिकली सृजन को भी नाम नहीं पता लेकिन इट वाज रियली नाइस, वहाँ का ऑरा और हरियाली दोनों ही अच्छी थी। सो आफ्टर दैट हम लोग यू नो काफ़ी थक गए थे, बिल्कुल एकदम पानी पानी हो गया था। उसके बाद वी वेंट टू यू नो नाइस कैफ़े, वी हैड यू नो किसी ने भी लंच नहीं किया था